सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। अब देहात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब देहात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नारा की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। हम सब ये सामान्य रूप से देख रहे हैं कि जमशेदपुर शहर में हिंदू लड़कियों के पीछे टारगेट करके लव जिहादी लगे हुए बेखौफ घूम रहे हैं। प्रशासन भी उन सभी पर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम सब जो है आज बजरंग दल सिंहभूम विभाग के माध्यम से आए हैं और प्रशासन को ये बताने कि वैसे लव जिहादियों को अपराधी हैं, वे जिहाद का ट्रेनिंग ले रहे हैं और धर्मांतरण कर रहे हैं हिंदू लड़कियों का। और कुछ नेता भी जो अपने आप को मुस्लिम तुष्टिकरण का स्तंभ स्थापित करने में लगे हुए हैं, वे लोग उस लव जिहादियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्हें स्पष्ट पता है कि वो लड़का जो है अपहरण करके कहाँ रखा है। प्रशासन से यह मांग है कि वैसे नेताओं का भी जांच किया जाए, उन पर भी जांच बैठाया जाए कि वो क्यों इस घटना में संलिप्त है, लव जिहादियों के पक्ष में क्यों बयान दे रहे हैं। हिंदू लड़की अपहरण हुआ है, माँ बाप की क्या स्थिति है, ये कौन देखेगा उसको? ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार मुस्लिमों को खुश करने में लगी हुई है और हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, लड़कियों का अपहरण हो रहा है। लड़की स्कूल जाने से डर रही है, कॉलेज जाने से डर रही है, भय आक्रांत में बसे हुए हैं। भय मुक्त करना होगा प्रशासन को, उन लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। और बजरंग दल यह मांग करता है कि जमशेदपुर में खास करके कदमा, सोनारी, मानगो, परसोडी, बारी नगर इत्यादि जगहों पर ऐसे लोग घूम रहे हैं, साक्षी आम बगान में ऐसे लोग घूम रहे हैं जो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, उसको तुरंत पकड़ा जाए। वैसे लोगों पर जो है जिस तरह से यूपी में जो है रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, यहाँ भी बनाया जाए, वैसे लोगों को पकड़े सरकार। जनार्दन पांडे, बजरंग दल संयोजक।